हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत आती है। NICPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही आपको करियर अपॉर्चुनिटीज पे वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगी। वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है एंड ये वैकेंसी नोएडा इंस्टीट्यूट के लिए है। यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं एंड 16 अगस्त यहां पर लास्ट डेट दी गई है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर ICMR-NICPR/TAC रिक्रूटमेंट 01/2023 दिया गया है। परमानेंट पोजीशन के लिए वैकेंसी है, ऑल राउंडर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट देख लेते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट बाय इन्फॉर्मेटिक्स में लेवल 6 की सैलरी है यहाँ पे एंड यहाँ पर 2 वैकेंसी है। अगर आपके पास BSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है या डिप्लोमा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा में आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स है या आपके पास BTech बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर एज दी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिक्स में भी यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी है, 2 वैकेंसी है। यहाँ पर भी BSc आपका स्टैटिक्स में मांगा गया है या आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन के पास डिप्लोमा स्टैटिक्स में है या आपके पास BTech स्टैटिक्स में है, बायोस्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स या पॉपुलेशन स्टडीज में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस IT में यहाँ पे भी 2 वैकेंसी है। अगर आपके पास BSc है कंप्यूटर साइंस IT में या आपके पास डिग्री के साथ में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है या आपके पास BTech कंप्यूटर साइंस IT में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग में यहाँ पर 1 वैकेंसी। अगर आपके पास BSc है इंजीनियरिंग में या आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में है या आपके पास BTech इंजीनियरिंग में है सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट में लाइफ साइंसेस के लिए 8 वैकेंसी यहाँ पर लाइफ साइंस में दी गई है। BSc लाइफ साइंस में है या आपके पास डिप्लोमा लाइफ साइंस में है ग्रेजुएशन के बाद में या आपके पास BTech है लाइफ साइंस में या बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या केमिस्ट्री जूलॉजी या फार्माकोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन फर्स्ट में यहाँ पे अंडरजेंट में 6 वैकेंसी, EWS में 1 वैकेंसी दी गई है। अगर आपके पास 10+2 पॉइंट्स पास आउट है साइंस सब्जेक्ट के साथ में, कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, साथ ही आपके पास डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में है तो अप्लाई कर सकते हैं या आपके पास ITI भी है DMLT में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर यहाँ पर एज दी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई हैं। लेवल 1 की सैलरी है, 10th क्लास पास आउट मांगा गया है, 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है लेबोरेटरी में या आपके पास ITI है लेबोरेटरी या लेबोरेटरी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 25 ईयर एज यहाँ पर दी गई है एंड अदर डिटेल्स देख लेते हैं। 16 अगस्त तक आपकी एज लिमिट एंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का काउंटिंग किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 300 की फीस है। SC ST PWD कैंडिडेट के किसी भी तरह की फीस आपको पे नहीं करनी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक ICMR या NICPR की वेबसाइट पर जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू विजिट करके देख सकते हैं कब आपका ये एक्टिवेशन चालू हो रहा है। तो इसे आप 16 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी ही वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।